सकें, घर बैठे सिप्लाइया कर सकें। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, एक ही नारा की मांग। देखिए, बड़े दुख की बात है कि आज हमारे हिंदू समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग जो हमारे मंदिरों का रखरखाव करते हैं, धर्मठ ट्रस्ट के ये पुजारी आज इतने दिनों से अपनी मांगों को लेके यहाँ बैठे हैं और दर दर पे ये गए, हर पॉलिटिकल पार्टी लोगों से ये मिले और उनसे ये समस्याएं जो है अपनी सामने रखी और इनकी सारी समस्याओं को और इनकी बात को नकार दिया गया, जैसे कि ये किसी और समाज का हिस्सा है, ये किसी और धर्म के धरोहर को बचाने की बात कर रहे हैं। ये एक सिंपल बात इनकी जो इन्होंने सबके सामने रखी है कि एक तो जो पुजारियों को जिस तरह से तनख्वाह दी जा रही है वो बहुत कम तनख्वाह है, मिनिमम वेजेस के हिसाब से भी। आज एक मजदूर 500 रुपया दिहाड़ी लेता है और वो 15,000 रुपये महीना कमाता है और एक पुजारी जो है वो 5 से 7,000 जो सुबह से शाम तक मंदिर में रहता है, तो उसको भी अपने बच्चों को एक रिस्पेक्टेबल जीवन देने का अधिकार है, उसके लिए एक बात इन्होंने रखी और उसमें ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, मुश्किल नहीं थी, वो किया जा सकता था। इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इतने ज़्यादा मंदिर हैं, उनकी जर्जर हालत है, उनको बचाने की ये बात कर रहे हैं, इसमें क्या गलत कर रहे हैं? और धर्मठ ट्रस्ट अगर बना है तो वो ट्रस्ट जब बनता है वो इसीलिए बनता है कि जो उस ट्रस्ट के तहत मंदिर या प्रॉपर्टी आती है उसको बचाओ और उसके रखरखाव के लिए, इसीलिए धर्मठ ट्रस्ट की भी संरचना की गई। जब उसकी संरचना की गई तो कहा गया कि अगर इस ट्रस्ट का एक पैसा भी जो खाएगा वो गौ मांस खाने के बराबर होगा और उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को बेचा गया और उसके अलग अलग जगह पे प्रूफ हमारे सामने आते हैं। और अगर ये उसकी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को बचाने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है डॉक्टर करण सिंह साहब को, एलजी साहब को आगे आना चाहिए, इनसे समझना चाहिए और अपने सुझाव दे के कोई रास्ता निकालना चाहिए। और ये कोई हार जीत का मामला नहीं है, ये आज हंसी और मजाक का मामला जम्मू कश्मीर में बन गया है इन पुजारियों को यहाँ बैठना, कि आज हम अपने आप को क्या क्या हम दिखा रहे हैं बाकी धर्मों के लोगों के सामने, कि हम यहाँ बैठ के हमारे पुजारी यहाँ बैठे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गुहार गर्मी सर्दी बारिश में हम सुनने ही नहीं। तो हमारा ये आग्रह है कि एक बातचीत का रास्ता निकाला जाए और वो पार्टियाँ, मैं नाम भी लूँगा, भारतीय जनता पार्टी, RSS और से उनके साथ जो बाकी संगठन है जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, जो नए मंदिर बनाने की बात करते हैं, अरे पुराने मंदिर जिनको बचाने की ये लोग बात कर रहे हैं उनके लिए तो बात सुन लो। तो आगे आना चाहिए और इस बात को, इनकी बात को बल दे के और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए।